एक सामान्य परिवार में जन्मे विकास का जैसे ही HCS में सिलेक्शन हुआ तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि जब वह लड़का कॉलेज पहुँचा तो कॉलेज के प्राचार्य द्वारा मिठाई खिलाकर लड़के का स्वागत किया गया। सोनीपत निवासी विकास, जो कि राष्ट्रीय स्तर का डिस्कस थ्रो का खिलाड़ी रहा है और पैर में चोट लग जाने के कारण प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की और फिर परीक्षा परिणाम में इनका सिलेक्शन HCS में हुआ है। विकास ने बताया कि उसकी स्कूल सोनीपत शहर के निजी स्कूल और उसके बाद CRA कॉलेज में 2015 में उसने BA पास की। उसके पश्चात से वह UPSC की तैयारी में जुट गया था। मेरा नाम राम सिंह है, मैं गांव बैठगांव का रहने वाला हूं और RPF में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूं। सकूर बस्ती हमारे पास दो लड़के हैं, दो बेटे हैं। दोनों बेटों ने यहाँ से CRZ कॉलेज से BA करी है और बड़े बेटे ने IAS ये HCS का टेस्ट पास करके इन्होंने कॉलेज का नाम ऊंचा करा है, हमारा भी नाम ऊंचा करा है। हम यही आस करते हैं कि जो भी खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, उनको ऊपर पहुँचाने का निरंतर प्रयास रखें। और भी कुछ बताएं, आज क्या महसूस कर रही हैं जी? प्रिंसिपल साहब की दया मेहर से हमें ये, मैं कभी भी यहाँ कॉलेज में बच्चों को देखने के लिए नहीं आया। हमें ये पता था हमारे प्रिंसिपल साहब इतने वो हैं, मतलब सख्त है कि बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे, हमारे को इतना विश्वास था। और ये मुझे उम्मीद थी कि ये बच्चा आगे बढ़ेगा। मेरा नाम केलावती है, बठगांव मल्लन के वासी हैं और मैं आंगनवाड़ी पद पर कार्यकर्ता हूँ। मेरा बेटा विकास कुमार बड़ा ही होनहार बच्चा है, भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। मेरा बच्चा बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ आगे निकला है और सपोर्ट के बच्चों के लिए ही इसने कड़ी मेहनत की है और आगे भी IAS की तैयारी के लिए बड़ी लगन के साथ प्रयास कर रहा है और सपोर्ट के बच्चों को अपने आगे निकाल के भारत का नाम रोशन करेगा। मुझे अपने बच्चे पर इतना दृढ़ विश्वास है कि देश का नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा और खिलाड़ियों के लिए हमेशा ही ऊपर उठाने का प्रयास करता रहेगा। इसने HCS क्लियर किया है तो आपने देखा होगा कितनी मेहनत इसने की थी। मेरे बेटे ने बहुत कड़ी मेहनत की है HCS के लिए, बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत ही मेहनत के साथ आगे निकला है और आगे भी कुछ बन के और आगे बन के IAS की तैयारी के लिए मेरा बेटा तैयारी कर रहा है, आगे भी बनेगा मुझे विश्वास है। जी जान से कड़ी मेहनत की है, उन्हीं के लिए आगे HCS में आया है। मेरा नाम विकास कुमार है जी, मैं गांव बटगांव से हूँ और जो मैंने प्रारंभिक शिक्षा है मैंने वो माल शिक्षा सदन से ली है और जो मैंने 12वीं है वो मैंने रेड रॉस स्कूल से, और जहाँ मेरा कॉलेज का जीवन व्यतीत हुआ है और जहाँ मैंने अपने गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करी उस कॉलेज का नाम है CRA कॉलेज, मैंने वहाँ से अपनी स्नातक पूरी की। परिवार वालों के बारे में तो ये है कि मैं उनका वर्णन नहीं कर सकता कि उन्होंने कितनी मदद की है। हर वक्त जब मैं खेलता था कि उसमें मुझे, मैं वैसे नेशनल खिलाड़ी के स्तर का एक खिलाड़ी रहा हूँ, मेरे चोट लगने के बाद उन्होंने दोबारा मुझे सामर्थ्य दिया कि आप और कुछ भी कर सकते हो। तो फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई की तरफ रुझान किया और फिर इस तरह से मैंने HCS का ये पद प्राप्त किया। देंगे मैं इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा मैं खिलाड़ियों को देना चाहूँगा कि उन्हीं का कुछ आशीर्वाद रहा है कि जिसकी वजह से मैं आज यहाँ इस पद पर पहुँचा। सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भी खिलाड़ी जो भी परेशान रहे हैं, जिनको चोट लगी थी उनके बारे में किसी ने पूछा नहीं है, या फिर जो भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक तक जिनको मेडल गोल्ड या सिल्वर जिस तरह मेडल आते हैं उनको भी पूछ हो जाती है समाज के अंदर। जो नीचे बच्चे रह जाते हैं उनको कोई पूछता नहीं है, उनके लिए सबके लिए कुछ करना चाहूँगा। मेरे पिताजी का नाम है श्री राम सिंह और ये
रेलवे पुलिस के अंदर हेड कॉन्स्टेबल हैं, और जो मेरी माता जी हैं ये आंगनबाड़ी वर्कर हैं, और इनके सहयोग के बिना मैं इस पद पर नहीं पहुँच सकता था। जब भी मैं तैयारी कर रहा था, इनके सहयोग से और इनकी प्रेरणा से ही मैं आगे निरंतर बढ़ता हुआ मैं इस पद पर पहुँच पाया। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, प्राचार्य छोटू राम आर्य कॉलेज, जिसका एक विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी, एक सामान्य परिवार से रहने वाला विद्यार्थी, गांव भटगांव से मेरा बच्चा आज HCS में सिलेक्ट हुआ। और मैं कल मुझे पता लगा, उसके पता लगते ही मुझे इतनी बेहद खुशी हुई कि मेरा हर कोई विद्यार्थी ये एक प्रेरणा लेकर के उन विद्यार्थियों के अंदर आए, और हर कोई विद्यार्थी HCS, IAS, IPS अनेकों पदों पर जाए, मुझे बेहद खुशी हुई। और खुशी होने का सबसे बड़ा श्रेय मेरे अपने विद्यार्थियों के साथ जाता है, और विकास कुमार जो मेरा विद्यार्थी रहा, उनके विद्यार्थीपन के साथ साथ मैं कई बार इनको गेट पर मिलता था, तो ये साइकिल पे सवार होकर के आता था, तो मैं कई बार कहता था कि इस दौर में भी साइकिल पर सवार होने वाले विद्यार्थी बहुत कम है, और सामान्य परिवार का रहने के बावजूद भी इस विद्यार्थी ने इतनी ज़्यादा अपने आप में शिक्षा ग्रहण करी और नेशनल लेवल का डिस्कस थ्रो का प्लेयर रहा। इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये आगे बढ़ता चला गया, और आने वाले समय में मेरी तरफ से, छोटरा मारिया कॉलेज परिवार की तरफ से इतना आशीर्वाद रहेगा इस बच्चे को, हर समय हर जगह इसके लिए संपूर्ण आशीर्वाद बन के छोटरा मारिया कॉलेज सदैव इसके साथ खड़ा रहेगा। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।